हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेवी लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ई श्रम कार्ड को मोबाइल से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, और कोई भी इसमें हमारी गलती हो गई है, फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो कैसे फ़ोटो के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे इसको UN कार्ड को डाउनलोड करना है, कैसे PDF में इसको हमें मोबाइल में सेव करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें अपने एक किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद ये गूगल की साइट खुल जाएगी, क्रोम ब्राउजर हमारा। फिर आपको ऊपर की तरफ टाइप करना है, आपको टाइप करना है ishram.gov.in। आपको ये सर्च कर लेना है। ये सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे जो ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट है वो श्रम जनता, ये आप खुल जाएगी। यह पूरी वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी। यहाँ पर हमारी फ़ोटो है, ई श्रम वगैरह, यहाँ पूरी वेबसाइट खुल गई है। ये डिजिटल इंडिया की वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह की। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट। तो फ्रेंड्स, आपको इस पर ही क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा। ये नहीं, इस पर लिखा होगा रजिस्टर थ्रू CSC डिजिटल सेवा। अगर आपका CSC सेंटर है तो आप इस पर क्लिक करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास CSC सेंटर नहीं है, हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ पर एक कैप्चा डाल देना, फिर आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा ही करना है। आप सोच रहे हैं ऐसे नया बनेगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको अगले प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको अपना UN कार्ड डाउनलोड करना है, यानी कि ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ अपनी सारी डिटेल को डाल देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल दिया, यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने एक ऐसा नया पेज आएगा। यहाँ पर हमें अपनी जो मोबाइल फ़ोन पर जो OTP आई है वो यहाँ पर डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी वो OTP डाल देते हैं। हमने फ्रेंड्स OTP डाल दिया और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डाल देना और फिर आई एग्री पर क्लिक कर देना, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दिया, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर हमारा नाम और यहाँ एक ऑप्शन देखिए अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पर क्या हमको अपडेट करना है, बैंक अकाउंट डिटेल और एजुकेशन प्रीव्यू प्रोफाइल एड्रेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो भी अपडेट करना है उस पर क्लिक करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ से एड्रेस भी अपडेट और जो भी बैंक के अकाउंट डिटेल वगैरह वो अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें हमने कुछ भी अपडेट नहीं करना, हमारा सही है। आप केवल आपको बताने के लिए बताया है। और डाउनलोड कैसे करते हैं फ्रेंड्स, आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड UN कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा नाम वगैरह आ गया, अभी फ़ोटो नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से फ़ोटो भी हमारा आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कुछ देर बाद ट्राई करना है तो फ़ोटो आ जाएगा। फिर आपको एक ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड UN कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ भी दिख जाएगा। तो फ़ोटो की ऐसी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा फ़ोटो अभी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पा रहा है, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देना और हमारा कार्ड ये डाउनलोड हो जाएगा। दिखा देते हैं फ्रेंड्स हमारा कैसे एक कार्ड हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में गए फ्रेंड्स हम, और यहाँ पर हमारा UN कार्ड ये आ गया लिखा हुआ PDF में, यहाँ पर डाउनलोड हो गया इस तरह का। यहाँ पर हमारा नाम वगैरह सब कुछ आ गया, फ़ोटो फ्रेंड्स अभी नहीं आ पा रहा है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारे इसमें फ़ोटो नहीं आ पा रहा है, वो भी आ जाएगा कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हैं अपना इसमें अपना UN कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे अपडेट कर सकते हैं अपनी ई श्रम की कार्ड की डिटेल को, और इस तरह से अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।